हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार देखो, इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रूनिक पावर अचीवमेंट वाला। तो ये हमारा 1.2 का अपडेट आ चुका है और ये अचीवमेंट 8 से चालू हो गया, जो कि 7 मार्च तक चलने वाला है। ठीक है, तो इस वाले अचीवमेंट में आपको बताऊँगा आपको इसको कैसे कम्प्लीट करना है। ठीक है, तो यार इससे पहले आपको क्या करना है, यार देखो, आप वीडियो तो यार पूरी वॉच करते हो लेकिन यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। 95% बंदे ऐसे जो वीडियो को देख करके बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन कर लेना, क्योंकि यार मैं इसी तरीके से वीडियोज़ लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अचीवमेंट की। तो देखो यार, ये अचीवमेंट आपको रूनिक पावर मोड, इसके अंदर आपको 3 मोड अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कैसे कंप्लीट होंगे। सो गाइस, यहाँ पे आपको रूने वॉरियर अचीवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो पहला अचीवमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, पिकअप 10 रूनिक क्रिस्टल और यूज़ 1 फ्लेम रून टू एक्टिवेट द मैग्मा व्हील स्किल। उसके बाद जो है तीसरा है, यूज़ 1 फ्लेम रून टू एक्टिवेट द स्कॉर्चिंग एमो स्किल। तो यूज़ 1 वाइंड रून टू एक्टिवेट द वाइन शेल्टर स्किल। तो यार इसको देखो, पढ़ना बेवकूफ़ी है, आप लोग भी इसको पढ़ ही लोगे तभी तो आप ये मेरी वीडियोस को देख रहे हो। तो इसमें कम से कम एक अचीवमेंट के अंदर 8 मिशंस है और इसको कंप्लीट करने के लिए कम से कम आपको 3 गेम लगेंगे। एक मैच में ये कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम 3 लगेगा बहुत ही ईजिली। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता दूंगा। ठीक है, तो देखो यार, इस अचीवमेंट में मतलब इस मोड में आपको 3 मोड अलग से देखने को मिलेंगे। आप गेम स्टार्ट करोगे तो आपको स्पॉन आइलैंड में आपको यहाँ पे इस तरह करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि वाइन रून, उसके बाद एक फ्लेम रून और या पावर रून, ऐसे करके कुछ नाम इसका, और तीसरा है आर्कटिक रून। तो पहला वाला हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको ये क्रिस्टल जो आप देख रहे हो, मैंने उसको उठा लिया है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे इसको आपको एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे आप देखो सेकंड्स चल रहे हैं, तो आपको गेम तभी एंड, आपको फिनिश करना, मतलब आपको एग्जिट नहीं करना। यहाँ पे सेकंड्स चल रहे हैं, 1 मिनट का पूरा टाइम मिलेगा, तो ये सेकंड्स आपको पूरे चलने देना है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरी पावर है जो विंड वाली, उसको भी आपको एक्टिवेट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज के बगल में, तो मैं यहाँ पे आपको टिक मार्क कर दूंगा ताकि आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो ये सेकंड्स जो भी पूरा काउंट हो रहा है, इसको आपको पूरा काउंट होने देना है, मतलब पूरा खत्म होने देना है जब तक ये पावर एक्टिवेट पूरी आपको एंड होने देनी है। उसके बाद आप यार ग्रेनेड ले लो या फिर किसी बॉट से जाकर के मर जाओ तो आपका ये मिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 10 क्रिस्टल मिल गए, क्रिस्टल आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है विंड वाले भी मैंने दोनों मिशन कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलो बात करते हैं दूसरे मिशन की। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो है वो फ्लेम पावर वाला है। तो फ्लेम पावर में भी आपको देखो क्रिस्टल काफ़ी आसानी से मिल गया है और ये तो किसी भी में कंप्लीट हो जाएगा। फ्लेम पावर में आना आपको यहाँ पे ये मैग्मा व्हील जो है उसको एक्टिवेट करनी है, तो ये व्हील चलने लगेगी। और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो विंड है, जो मतलब कि विंड या वाइंड, इसकी जो भी प्रोनाउंस है तो आप करेक्ट कर देना क्या है। तो इस पर आपको हिट करना है और देखो जैसे आपकी बुलेट हिट हो जाएगी तो इसमें से आपकी बुलेट जो है मतलब कि आग फेंकेगी, फायर फेंकेगी। और इसके बाद यहाँ पे ये विंड भी चालू हो गई, तो ये तीनों को तीनों मिशंस कंप्लीट हो चुके हैं एक साथ ही। ठीक है, तो इस पर भी मैंने इसको भी करके आपको दिखा दिया। उसके बाद यूज़ 1 आर्टिक वाला आपको करना है, आर्टिक रून टू एक्टिवेट द फ्रीजिंग एमो स्किल। और उसके बाद आपको बनाना है एक वॉल बनानी है। ठीक है, तो आर्टिक वाला क्या करना, आपको गेम एक बार फिर से स्टार्ट करना है और आपको कम से कम मैंने बताया था 3 मैच लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो तो आर्टिक रूइन सबसे आखिरी वाला है। तो चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वॉल बनी है और इसको आपको यहाँ पे मैं क्लिक कर, मतलब मार्क कर देता हूँ ताकि आपको काफ़ी आसानी समझ में आ जाए। तो आपको इसको वॉल बनानी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वॉल बन चुकी है। तो ये हमारा मिशन कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर इसकी विन जो है आपको ओपन कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब कि पावर ओवर शायद थोड़ा सा कम जाएगी, और इस पर भी एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा कि इसके फ़ायदे क्या या फिर नुकसान क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको भी आपको वेट करना है। तो आप देख सकते हो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, आपको गेम एग्जिट नहीं करना, आपको गेम कंप्लीट करना है, तो ये वाला भी अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और आखिरी वाला अचीवमेंट है वो है चेयर पार्क में। तो यहाँ पे आपको ये एक बॉक्स जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब आपको इसकी पावर जो अब्सॉर्ब करनी है, तो आपका ये वाला भी मिशन कंप्लीट हो जाएगा इस वाले अचीवमेंट का। ठीक है, रून एनर्जी आपको सेंस करनी है, तो आपको मतलब मिल जाएगी, ये पावर मिल जाएगी और आप किसी को भी कुछ भी उड़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको एग्जिट कर देना है और एग्जिट करने के बाद आप देख सकते हो यह वाला अचीवमेंट हमारा जो है रूनी वॉरियर वाला जो अचीवमेंट वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये पूरा सीजन चलने वाला है, मतलब कि पूरा एंड तक जाएगा, तो काफ़ी टाइम है, आप काफ़ी आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हो। आपको 15 अचीवमेंट पॉइंट्स और 3 स्क्रैप कूपन्स क्लासिक के मिल जाएंगे। तो जाओ जाकर के वाला अचीवमेंट कंप्लीट कर लो। और आपको ज़रा भी ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको अचीवमेंट समझ में आया हो और अचीवमेंट अच्छा लगा हो, तो यार अब वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, जो चैनल पर इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।